की यादगार दिवाली। हमारी कंपनी के ऐप का ये पहला प्रोजेक्ट था। कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं मिलेगी, सबके सब हमें जीरो रेटिंग देंगे। हमारा डिजिटल बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया मिस्टर वागले। आई एम सॉरी मैडम, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली दादरकर स्वीट्स के साथ ये ब्लंडर हो गया, लेकिन हमारी पूरी टीम मुंबई के अलग अलग हलवाइयों के साथ कॉन्टेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जरूर ये प्रॉब्लम हल होगी। एंड द गुड थिंग इज कि जहां गलती से पैसे ट्रांसफर हुए थे वो पैसे वापस हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, दिवाली की मिठाई की डिलीवरी उनको टाइम पर हो जाएगी। मैडम वो बोनस, यहाँ पे कंपनी बंद होने की नौबत आ सकती है और आप सबको बोनस की पड़ी है। सॉरी मैम, लेकिन बोनस थोड़ा सेंसिटिव मसला है। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं इस बोनस को लेकर। साल में एक बार आती है दिवाली, तो साल भर में जितने भी दर्द हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन सबको भुलाकर हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। और बोनस की ये जो चंद रुपए होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत खुशी मिलती है हमें। मिस्टर वागले, आपका ये ज्ञान सुनने का मेरा जरा भी मूड नहीं है। और क्या लगा रखा है ये बोनस बोनस बोनस? हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, पहले कंपनी को उससे बाहर निकालिए, प्रॉफिट कमाइए और ले लीजिए ना बोनस। बोनस अवार्ड जैसा मत मांगो, बोनस रिवॉर्ड जैसा मांगो। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी बोनस। I got your point, madam. तो मैम ने कह दिया, अगर टास्क पूरा होता है तो ही हमें बोनस मिलेगा, और बोनस हमें अवार्ड की तरह नहीं, रिवॉर्ड की तरह लेना है। और एक बात मिस्टर वागले जी, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी हलवाई को पकड़कर ये डील कंप्लीट करवाओगे। मैं आपको एक लूप होल बताती हूँ। लोगों ने हमारे ऐप पर दादरकर स्वीट मार्ट की मिठाई के लिए पेमेंट किया है। आप जरा सोचिए, अगर हम उन्हें दादरकर की मिठाई नहीं बल्कि किसी और की मिठाई भेजेंगे, तो आपको लगता है कि दे विल बी ओके विद दिस? नहीं नहीं मैम, लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो तो हमें कोर्ट में भी खींच सकते हैं। देखिए मैडम, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम। एंड ट्रस्ट मी, अगर जरूरत पड़े तो मैं पर्सनली हर एक कस्टमर से बात करके पूरी सिचुएशन समझाऊंगा। हम कर लेंगे मैडम, डोंट वरी, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे बाप रे, वंतु तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रही है। प्रो तो कुछ तो आइडिया दे, मेरी चिट्ठी में यामिनी आंटी का नाम आया। अब यामिनी आंटी को क्या पसंद है क्या नहीं, अब ये छोटी सी जान कैसे पता करे? तू एक काम कर, दक्षिण अंकल की हेल्प ले ले, वो तुझे बता देगी यामिनी आंटी को क्या पसंद है। प्रो दक्कू अंकल तो हमको देखते ही रूल बुक निकाल के खड़े हो जाते हैं, वो क्या हमारी हेल्प करेंगे। तिवारी। यस सर। सर सी, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। कल इस फूल में 24 पंखुड़ियां थी, आज 20 कैसे रह गई? सर वो कल बहुत तेज हवा चल रही थी ना सर, तो 4 पंखुड़ी उसी में उड़ गई होंगी सर। तिवारी, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, ये फूल बहुत ही कीमती है। इस फूल का रंग और इसकी सुगंध मेरी यम को बहुत पसंद है। इस फूल की पत्ती पत्ती और पंखुड़ी पंखुड़ी का अच्छे से ध्यान रखा करो, समझे तुम? ब्रो कुछ समझा? यस ब्रो, मुझे आइडिया मिल गया। पर तूने नहीं बताया तेरी चिट्ठी में किसका नाम आया? अगर तू किसी को नहीं बताएगा ना, तो ही मैं तुझे बताऊंगा। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ओके ब्रो, ये दिवाली दादा आइडिया सॉलिड है। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हाँ तो राजेश भाई, आप कुछ बताने वाले थे ना दिवाली दादा के बारे में। कंफर्टेबल ना? ओके गो अहेड। हाँ तो कल नरक चतुर्दशी है,
तो मैंने ये सोचा कि हम हमारे सारे गिफ्ट्स अच्छे से रैप करके साईं बाबा की छवि के पास लाकर रख दें। हाँ, गुड आइडिया। कल तक का ही टाइम है, कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। किसी तरह इस शेयर मार्केट के पंटर की पसंद जानकर इसे ऐसा गिफ्ट दूं कि ये पंटर खुशी के मारे बंदर की तरह उछल जाए और परम पुण्य वन्ना भाभी के मन में मेरे लिए स्नेह और सम्मान और बढ़ जाए। चलते हैं हम सब अपने अपने घर। हाँ, क्योंकि कल नरक चतुर्दशी है ना, तो वंदना भाभी को भी अभ्यंग स्नान की तैयारियां करनी होंगी, है ना? अभ्यंग स्नान? यस। कल मिलते हैं। ऐसे मसल मसल के ना उपटन लगाते हैं, देखना शरीर के सारे दोष निकल जाते हैं इससे, पता है? साल भर कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ चल, अब सब तैयार हो गया ना, तू भी ना जल्दी से नहा ले, तैयार हो जा। रात के 5:30 बजे दादी। रात के? लो बोलो। बोलो नहीं, सुनो मैं बोल रहा हूँ। माइक्रो वागले, चलो नाटक बंद करो और फटाफट नहाओ, चलो जाओ। हाँ अथर्वा, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, जल्दी। अच्छा, साबुन रखा है अंदर, जा। दकू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ कि अर्शद को ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो उसे पसंद आएगा, ऐसा क्या दूँ जिससे वो खुश हो जाएगा। माउथ फ्रेशनर का डब्बा? हाँ। नो 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 नो, सोइंग ट्रेशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता। मैं कुछ और ही सोचता हूँ। यम, मैं बाहर जाके सोचता हूँ। ठीक है। हैंडमेड कागज की बनी डायरी दे दू। नहीं नहीं नहीं, उससे वो झालर तो खुश हो जाएगा, लेकिन उस पे लिखी कविता सुन के हम सब दुखी हो जाएंगे, उसका क्या? क्या गिफ्ट दू उस सड़ेले सेक्रेटरी को? क्या मिनी भाभी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। पता है कल रात से हर्षद यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए दक्षिण भैया को जिससे वो खुश हो जाए। वाह वाह। ज्योति बहन, यहाँ दकू का भी वही हाल है। आपको पता है कल काली चौदस है। हम घर से ककड़ाट निकालते हैं और दकू के मन से वाकई ककड़ाट निकल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग कल एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। हाँ देखते हैं ये एक दूसरे को क्या तोहफा देते हैं। वैसे ज्योति बहन, अभी अपनी अपनी दिवाली दादा गिफ्ट राजेश भाई के घर में जमा करनी है, याद है ना? हाँ हाँ याद है, पता है मैंने तो अपनी गिफ्ट ना रेडी भी कर ली है। वाह, तो चलिए मिलते हैं राजेश भैया के घर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।